एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस, तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए। Only three have been joined. Meet or Dipandi is still yet to be left. So I'm just starting because I don't know when the student will be joined. So we should not waste our time. ठीक है, तो 5-6 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, अभी वो हमजा रह गया है, नवा रह गया है, तो कहीं कुछ लोग रह गए, तो एनी वे सो शैल वी स्टार्ट। Need response so I can start. Okay, Meet. तो हम लोग आज बात कर रहे हैं ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, तो बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे 2-3 बार में पढ़ा दें, क्योंकि अभी हम लोग बहुत टाइम है 15-20 दिन का, तो मैक्सिमम चीजें खत्म करने की कोशिश करेंगे आज हम। उसके अलावा 2 लेक्चर और लेंगे तो उसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। तो बात करते हैं पहले ऑपरेशन मैनेजमेंट की। ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है, तो और प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअली ऑपरेशन मैनेजमेंट, एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट गुड्स एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत लोगों को दिक्कत भी रहता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट लिमिटेड विद द ओनली प्रोड्यूसिंग द गुड्स की हम लोग बात करते हैं, हम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन मैनेजमेंट वी इंक्लूड द सर्विसेज ऑल्सो, हम लोग इसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं। द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोड्यूसिंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग द सर्विस इज कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट। गॉट इट। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या 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 काम करता है, कि बींग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हाउ ऑपरेशन मैनेजमेंट एक्चुअली वर्क। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कहीं ना कहीं
एक आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें एक फाइनेंस भी हो रहा है, प्रोडक्शंस भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, रिसर्च भी होता है। तो हम लोग कहने का प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस ओवरलैप क्या होता है? ओवरलैप भी देखिए, विदाउट द मतलब आपने कितना भी अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना लिया, कितना अच्छा मास प्रोडक्शन करा या कोई कस्टमाइज मार्केटिंग करी, स्केसिटी मार्केटिंग करी, अगर आपका इफ देर इज ए नो कॉम्बिनेशन ऑफ देर इज ए ओवरलैपिंग बिटवीन द मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड यू डोंट हैव सम सपोर्ट फ्रॉम दीज टू टीम, देन कहीं ना कहीं आपको मार्केट में फेलुअर की प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। नॉट इवन यू, अगर मार्केटिंग वाले मार्केट से ऑर्डर ले भी आए एंड बींग इन अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड बींग इन अ ऑपरेशन डिपार्टमेंट, यू आर नॉट एबल टू मीट आउट दोज, यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दोज गुड्स जिनकी मार्केट में डिमांड है भाई, और फाइनेंस वाला कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को पैसे की सपोर्ट करेगा। तो हम लोग बिजनेस ऑपरेशंस ओवरलैप हो जाता है क्योंकि तीनों चीज़ें कॉम्बिनेशन है कि एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। दिज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑपरेशन। गुड्स प्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, एक्सचेंज भी इसमें हमारा आता है, और इंटरटेनमेंट की हम लोग बात करेंगे, कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डिलीवरिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, फीडबैक, हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट में हर चीज की इंक्लूजन करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है, आप लोगों को देखना तो देख लीजिए। गुड्स प्रोडक्शन में कौन, हम लोग फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, द सेम मैनर स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज में रिटेलिंग, होलसेलिंग, बैंकिंग, ग्रांटिंग, लीजिंग, लाइब्रेरी, लोन्स, इंटरटेनमेंट्स में भी कम्युनिकेशन। तो कहीं ना कहीं हर जगह हम लोगों का ऑपरेशन का यूज है। तो दीज आर द वेरी फ्यू डेफिनेशन वी हैव, इसको हमें डिटेल में नहीं जाना है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज और इट्स प्रोडक्शन सिस्टम। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन सिस्टम टेक्स इनपुट एंड कन्वर्ट देम इनटू द आउटपुट। ये तो होता है ना, एक इनपुट हमारे पास होता है, रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, एंड फाइनली वी आर कन्वर्टिंग दोज इनपुट्स इन अ आउटपुट। ठीक है, द कन्वर्जन प्रोसेस इज द प्रोडोमिनेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। एक पहले से ही प्रोडोमिनेंट एक्टिविटीज होती है जिसके द्वारा बिजनेस ऑलवेज ट्राई टू वी ऑलवेज जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट योर इनपुट इन टू द आउटपुट। तो इसमें डेफिनेशन में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि वैल्यू एडेड की डिफरेंसेस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड द वैल्यू प्राइसेस ऑफ आउटपुट। ये वैल्यू एडेड एक सर्विस वैल्यू एडेड मॉडल है, इसमें हमारा इनपुट क्या होगा, इससे एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो वैल्यू एडेड इज ऑल अबाउट की व्हाट इज ऑल अबाउट द इनपुट की बात हम लोग करेंगे। तो इनपुट में हमारा हो गया कि मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल्स हो गई, लैंड हो गई, तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दिस इज कम्स अंडर द इनपुट्स। आउटपुट्स में हमारा क्या, फाइनली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होगा। गॉट इट, क्लियर? तो कंट्रोल करना पड़ेगा हम लोगों को क्या कैसे इनपुट को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे आउटपुट में। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करिए, कन्वर्जन प्रोसेस की बात करिए, कौन से प्रोडक्शन, कौन से प्रोसेस से भी हम आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे, मास प्रोडक्शन हो गया, बैच हो गया, जॉब शॉप हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग इनपुट को ट्रांसफॉर्मेशन करके आउटपुट करेंगे तो हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आइदर या गुड्स हो गया या सर्विसेज होगा। फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को फीडबैक भी देना ही पड़ता है। तो व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अगेन सेम, द इम्पॉर्टेंसी ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट एक बार देख लीजिएगा, कोई बहुत जरूरी नहीं है हम लोगों के पेपर के लिए। इट्स सिनेराइज द मस्ट एग्जिस्ट विद द अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ना एक साथ उस एक सभी फंक्शनल एरियाज को एक वो लोग एक साथ जोड़ देते हैं ताकि देर शुड बी सम प्रॉपर इंटीग्रेशन अमॉन्ग ऑल द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, है ना। अगर भाई अगर देर इज ए मिसमैच बिटवीन द ऑल द डिपार्टमेंट विच इज वर्किंग फॉर एक्चुअली टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, तो वट एक्चुअली देर शुड बी सम सिनराइजेशन among all the departments. The operations accounts for 60-80% of the direct expenses that burden a farm product. होता है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे मैक्सिमम तो इनपुट कॉस्ट ही होती है ना। तो कहीं ना कहीं 60-80% हमारा जो एक फॉर्म के प्रॉफिट में ऑपरेशन का पूरा ऑपरेशन अकाउंट का पूरा कहीं ना कहीं बर्डन होता है, क्योंकि कॉस्टिंग आती है प्रोडक्ट में 100 रुपये की। कोई प्रोडक्ट आपको मार्केट में बेचना 50-60 रुपये 40 रुपये की, कॉस्टिंग तो आती आती है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा बर्डन होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले प्रोडक्शन करेंगे उसके बाद ही तो हम लोग कुछ ना कुछ इसमें मार्केट में उसको बेच सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसको एक बार आप लोग केवल देख लीजिएगा, यू डोंट नीड टू गो इन द डिटेल्स। जहाँ पर हम बता रहे डिटेल में नहीं जाना है तो आप एक बार आपको केवल एक बार रीड आउट करना है, हम जहाँ पर बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है वही आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ऑपरेशन इन अ सम फॉर्म हैज बीन अराउंड एज लॉन्ग एज अ ह्यूमन एंडेवर इटसेल्फ
बट इन द मैन्युफैक्चरिंग एटलीस्ट इट हैज चेंज ड्रामेटिकली ओवर द टाइम. कहीं ना कहीं हल्के हल्के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में टाइम टू टाइम चेंज होता रहा. तो देर आर थ्री मेजर फेजेस ऑफ ए ऑपरेशन मैनेजमेंट. पहले हम लोग बात करते हैं क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की. तो क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ विच स्किल्ड क्राफ्ट पीपल प्रोड्यूस गुड्स इन अ लो वॉल्यूम विद अ हाई डिग्री ऑफ वैरायटीज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल कस्टमर. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें प्रोड्यूसर लो वॉल्यूम की बात करते थे, हाई डिग्री ऑफ वैरायटीज की बात करते थे टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल कस्टमर. मतलब कहीं ना कहीं ये लोग कस्टमाइजेशन की इसमें बात कर रहे हैं. मास ठीक है, तो क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल अबाउट द कस्टमाइजेशन बिकॉज यू जस्ट हैव टू बी फुलफिल द इंडिविजुअल्स नीड्स एंड डिमांड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स. मास प्रोडक्शन हम लोगों को पता है कि लार्ज प्रोडक्शन कर रहे हैं आप. इन द मेन इंडस्ट्री क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बिगिंस टू बी द रिप्लेस बाय द मास प्रोडक्शन इन द 19th सेंचुरी. 19 मतलब स्टार्टिंग में वो लोग कस्टमाइजेशन की बात करते थे, फिर बाद में वो लोग मास प्रोडक्शन में आ गए. मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन हाई वॉल्यूम विद द लो वैरायटीज. वैरायटी दो चार होगी, बस वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. द अपोजिट ऑफ द क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग. तो ये क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का अपोजिट होता है. फिर हो गया स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन आज के टाइम में देखेंगे, इसके हम आपको आगे बताएंगे एग्जाम्पल. तो इंपॉर्टेंट इनोवेशन इन ऑपरेशन दैट मेड वॉज मास प्रोडक्शन पॉसिबल वॉज द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्डाइजेस एंड द इंटरचेंजेबल पार्ट्स नोन एज अमेरिकन सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चर विच डेवलप्स इन द US एंड स्प्रेड टू द UK एंड द अदर कंट्रीज. सो स्टैंडर्डाइजेशन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? मतलब कि जो एक ऐसा कॉमन प्रोडक्ट आया है जो दुनिया की कोई भी कंपनी बनाएगी उसका मतलब स्टैंडर्ड ही प्रोडक्ट रहेगा. जैसे कि ब्लेड होता है, ब्लेड देखा कोई कंपनी का ब्लेड होगा वो एक ही होता है. टायर होता है, मान लीजिए टायर, मतलब टायर में तो कुछ कुछ वैरायटीज आने लगी हैं. अदरवाइज स्टैंडर्डाइजेशन के एग्जांपल्स में ब्लेड हो गया, टायर हो गया. ठीक है, तो ऐसे कुछ बहुत सारे ये जो इंजेक्शन होता है मेडिकल जो लोग यूज करते हैं, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं. अब किसी कंपनी का ब्लेड, कोई शेविंग ब्लेड की बात कर रहा हूं, कोई किसी कंपनी का ब्लेड यूज करिए वो उसका साइज स्टैंडर्ड ही होता है. तो ऐसे टायर हो गया ऑटोमोबाइल का. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन कि मतलब आपने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना दिया, कोई डिजाइन में भी फर्क नहीं कर सकता है, बस आपको वही सेम डिजाइन पूरी दुनिया की हर कंपनी को बेचना पड़ेगा. क्योंकि लोगों के एक बार स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एक बार समझ में आ गया तो उसको चाहकर भी यू कैन नॉट बी मैनिपुलेट. अब देखिए बुलेट ब्लेड की बात करेंगे, इतना बड़ा हो इतना छोटा नहीं बना सकते आप उसमें, तो देर शुड बी सम स्टैंडर्ड. तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट्स. ठीक है, आप पहले मास प्रोडक्शन इनोवेशन वन की बात कर रहे थे, हम लोग इनोवेशन टू में आ गए हैं. तो इनोवेशन टू में पहला हो गया, इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया कि इट वॉज डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक टेलर. हम लोगों को पता ही है टेलर, हम लोगों ने नाम सुना ही है, मैनेजमेंट में भी सुना है, FW टेलर की बात कर रहा है. द सिस्टम ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट विज सॉट टू रीडिजाइन द जॉब यूजिंग द सिमिलर प्रिंसिपल टू दोज यूज इन डिजाइनिंग द मशीन. मतलब कि जो आपकी पहले से जॉब्स थी उनको सिमिलर प्रिंसिपल्स के बेसिस के द्वारा रीडिजाइन करा गया उसको. और काम को हम लोग और किस तरीके से कर सकते हैं, हर काम करने के दो चार पांच अल्टरनेटिव होते हैं ना, तो उसको हम लोग कैसे रीडिजाइन करेंगे. इट इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट. फिर हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट से इनोवेशन थ्री में आए, तो कहीं ना हम लोग असेंबली लाइन में आना शुरू हो गए. ठीक है, तो असेंबली लाइन था थर्ड इनोवेशन बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मूविंग असेंबली लाइन बाय द हेनरी फोर्ड. ये नाम याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया कि असेंबली लाइन किसने स्टार्ट किया था, तो हेनरी फोर्ड बाय द फर्स्ट पर्सन. तो उन्होंने हेनरी फोर्ड ने, जो फोर्ड कंपनी है उसी की बात कर रहे हैं, हेनरी फोर्ड हैज स्टार्टेड द असेंबली लाइन डेवलपमेंट. तो इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्कर्स ब्रिंगिंग ऑल द पार्ट्स एंड टूल्स टू फिक्स लोकेशन वेयर वन कार वॉज पुट टूगेदर एट अ टाइम द असेंबली लाइन ब्रॉड द कार्स टू द वर्कर्स. मतलब समझ रहे हैं, एक असेंबली लाइन में हम लोग वर्कर्स को एक साथ ला रहे हैं, ऐसा नहीं कि कार के अलग अलग पार्ट्स बनाते थे. तो कहीं ना कहीं इसमें कि थर्ड इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द मूविंग असेंबली लाइन बाय द हेनरी फोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्कर्स ब्रिंगिंग ऑल द पार्ट्स एंड द टूल्स टू फिक्स ए लोकेशन वेयर वन कार वॉज पुट टूगेदर एट अ टाइम द असेंबली लाइन ब्रॉड द कार्स टू द वर्कर्स. ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग एक साथ 10-20-50 कारों को ले आए हैं. ठीक है, पहले क्या होता था कि वर्कर साथ में आते थे, वो काम एक कार बनाते थे. अब हमने कई सारी कार से एक साथ में बना रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो असेंबली लाइन में प्रोडक्शन कर रहे हैं. फिर मास प्रोडक्शन इन नटसेल की बात करते हैं. तो सिस्टम थ्रू विच लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स कुड बी असेंबल्ड बाई अनस्किल्ड वर्कर्स एंड कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग द कॉस्ट. तो हम लोग क्या करते हैं जब आए कि विच लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं बहुत लार्ज वॉल्यूम पे बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अनस्किल्ड वर्कर को असेंबल करके और
एक साथ मास प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। तो हम लोगों को ये तो पता ही है, जब भी मास प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो जाता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल करने के लिए हम लोग मास प्रोडक्शन की बात करते हैं। फिर मॉडर्न पीरियड्स में हमारा हो गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, GIT की बात करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, अभी आपको ये सब बताएंगे। तो ड्यूरिंग द 1970s मार्केट बिकम द हाईली फ्रेगमेंटेड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिड्यूस ड्रामेटिकली एंड द कंज्यूमर्स हैड फॉर द ग्रेटर चॉइस देन एवर बिफोर। तुमने आपको बताया था कि जब फिलिप कॉटलर मार्केट में आए, फिलिप कॉटलर स्टार्टेड डूइंग द मार्केटिंग, तो उन्होंने मार्केटिंग को, जिसको लोग मॉडर्न हम लोग मार्केटर्स बोलते हैं फिलिप कॉटलर जी को, तो उन्होंने यही बोला था कि अर्लियर मार्केट वाज द होल्ड बाय द मार्केटर्स, नाउ मार्केट इज द होल्ड बाय द कस्टमर्स। उन्होंने 1970 से करीब ये बात बोल दिया था, 70s 80s तो पहला उनका बुक आया था। तो कहीं ना कहीं कि अब कस्टमर्स के पास हैड, मतलब कस्टमर्स के पास अराउंड 1970s 80s में, अगर इंडिया की बात नहीं करें, मतलब यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट की बात करेंगे, तो दे हैड सम ग्रेटर चॉइसेस, कई सारे उनके पास ऑप्शंस होते थे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। तो ऐसी चीजों में हम लोग कैसे कम्पीट कर पाएंगे अपने अपनी कंपनी को, तब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात आया, जस्ट इन टाइम की बात आया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात आया। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है कि ओवरऑल क्वालिटी को आपको इम्प्रूव करना है, जस्ट इन टाइम होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री रखिए, आगे हमको बताएंगे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में, अभी भी फिर भी बता दे रहे हैं आपको कि जस्ट इन टाइम होता है कि आप बिल्कुल भी एडिशनल इन्वेंट्री मत रखिए। जस्ट इन टाइम हम लोग करते हैं कि इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए, इन्वेंट्री को आप जब आपको जरूरत है तभी आप ऑर्डर करिए। तो GIT को होता है कि आप ऐसा करिए ताकि आपको कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी बचे, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम तो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है जस्ट इन टाइम। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम लोगों को पता ही है कि ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स टू द फाइनल कस्टमर की हम लोग बात करते हैं। अब आ गया कि मॉडर्न प्रिंसिपल्स कौन कौन से हमारे हो गए, डिफरेंट अप्रोचेस, फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन हो गया, लीन प्रोडक्शन हो गया, मास कस्टमाइजेशन हो गया और एजाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन सभी को पता ही है कि कहीं ना कहीं हम लोग वी हैव मेड सम फ्लेक्सिबिलिटीज फॉर डूइंग सम प्रोडक्शंस। तो फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन मॉडर्न में आ गया। फिर लीन प्रोडक्शन की हम लोग बात करने लगे, ठीक है। लीन प्रोडक्शन की क्लियर, तो लीन प्रोडक्शन भी बहुत पहले आ तो 1930 में किया था लीन प्रोडक्शन। तो लीन प्रोडक्शन के सेटअप द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू स्ट्रीमलाइन एंड इम्प्रूव ए कंपनी प्रोडक्शन सिस्टम विद इट्स रूट्स इन द टो, ठीक है। तो लीन प्रोडक्शन का एग्जांपल याद रखिएगा कि टोयोटा वाज द फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट कंपनी, ठीक है। याद रखिएगा टोयोटा ने सबसे पहली बार टोयोटा कंपनी का नाम सुना ही होगा, टोयोटा वाज द फर्स्ट कंपनी हु हैव स्टार्टेड द लीन प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग एक हर चीज को एक साथ लाकर, टूल्स एंड टेक्निक्स को एक साथ लाकर और क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग लीन प्रोडक्शन कहते हैं। मास कस्टमाइजेशन हम लोगों को पता ही है, कस्टमाइज होता है इंडिविजुअल, तो हम लोग मास कस्टमाइजेशन की प्रोडक्ट बात कर रहे हैं कि कुछ मास पॉपुलेशन को टारगेट करिए और अकॉर्डिंगली उसकी प्रोडक्ट बनाइए। फिर हमारा हो गया एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। एजाइल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि कहीं ना एक प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, इसमें हम लोग कस्टमर नीड और मार्केट चार्जेस को क्या करते हैं, कस्टमर नीड को हम लोग क्विकली रिकॉग्नाइज करते हैं और मार्केट में जो चेंजेस हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि कॉस्ट और क्वालिटी में दोनों कंट्रोल है, क्लियर। तो हमारा मास कस्टमाइजेशन इज ऑल अबाउट द मास कस्टमाइजेशन, मास को हम लोग मास प्रोडक्शन की बात करेंगे। इवन दो वी हैव टू रिकॉग्नाइज सम मास पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंगली वी विल कस्टमाइज अ प्रोडक्ट। एजाइल मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल अबाउट कि हम लोग कस्टमर को क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे, कस्टमर को क्विकली रिकॉग्नाइज करेंगे उनकी डिमांड को और मार्केट के चेंजेस को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मार्केट में प्राइसेस, क्वालिटी और कॉस्ट को दोनों कंट्रोल करके हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। फिर मॉडर्न प्रिंसिपल्स में नटसेल आ गया, दिस अप्रोचेज ऑल सीक टू कंबाइन द हाई वॉल्यूम एंड द लो कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मास प्रोडक्शन विद द क्राफ्ट प्रोडक्शन। देव ने जो चारों की बात करी उन्हीं की बात कर रहे हैं। अभी आगे ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल क्या होता है, इनपुट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के, फिर हम लोग फाइनली उसको आउटपुट करते हैं। तो समटाइम इट कैन बी क्रिएट सम रैंडम डिस्टर्बनेस ऑल्सो। तो इनपुट हम लोगों को पता ही है कि सम इनपुट आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द गुड्स और सर्विसेज, अदर्स प्ले अ पार्ट इन द क्रिएशन प्रोसेस बट आर नॉट यूज्ड अप, ठीक है। तो आपको इनपुट हमको पता है कि ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज और ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज की हम लोग बात करेंगे। तो इनपुट हम लोग जो भी एक प्रोडक्शन के लिए हम लोग पास जो इनपुट्स होते हैं उनको हम लोग कोई मैनुफैक्चर का, टेलीविजन का, तो प्लास्टिक होनी चाहिए, ग्लास हो गया, वायर हो गया,
ठीक है. तो थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड इन द ऑपरेशंस आर मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर. भाई अगर आपको सर्विसेज की बात करेंगे तो कहना ना कि हमारे इनपुट भी कौन कौन होना चाहिए फिर उसको हम लोग फाइनली आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे. तो मटेरियल भी हमारा इनपुट में आ सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो गया, कस्टमर्स हो गया. तो टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ये ट्रांसफॉर्म्ड इन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, स्टाफ और फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं. फिर आउटपुट हम लोगों को पता ही है, जो चीज़ फाइनली प्रोडक्ट एंड सर्विस हम लोग पा रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारा आउटपुट्स में आता है. कि रेस्टोरेंट बिजनेस का एग्जाम्पल दिया है कि फूड रेस्टोरेंट बिजनेस का एग्जाम्पल दिया कि हम लोग कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो उसमें इनपुट क्या होगा, आउटपुट हो गया हमारा जो जो हम लोग को वो जो सर्व कर रहे हैं, फूड हो गया, ड्रिंक्स हो गई. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि सॉरी ऑर्गेनाइजेशन या इनपुट आउटपुट की बात कर रहा हूँ. ऑर्गेनाइजर रेस्टोरेंट टेक्सटाइल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात किया है, तो इसमें इनपुट्स क्या होगा, आउटपुट क्या होगा. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बताई दी हमने आपको. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस डिफाइंड एज ए यूजर ऑफ रिसोर्सेज टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू द सम डिजायर्ड आउटपुट. जो आपके पास एक इनपुट है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि डिजायर्ड आउटपुट में उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकें. तो इसमें देखिए कि फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकेशनल ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, एक्सचेंज में रिटेलिंग हो गया हमारा, स्टोरेज से वेयरहाउस में ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, साइकोलॉजिकल से हेल्थ केयर में हो गया, इंफॉर्मेशनल से टेलीकम्युनिकेशन की बात होगी. मतलब कौन कौन सी चीज़ें हम लोग अगर फिजिकल कोई चीज़ है, टेंजिबल चीज़ है तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लोकेशनल हो गई तो हम लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा तो भी रिक्वायर्स हम ट्रांसपोर्टेशन. एक्सचेंज में एक रिटेलर शॉप हो गई, हम लोग कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिटेल एक्सचेंज कर रहे हैं प्राइस के बदले. स्टोरेज हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, दैट इज ऑल अबाउट द हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर. देन इंफॉर्मेशनल इज ऑल अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन. गॉट इट. अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की. तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में वन यूजफुल वे ऑफ द कैटेगराइजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई, ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, सप्लाई की बात हो गई और सर्विसेज की बात हो गई. तो ये हम लोग क्या करते हैं, इन चारों तरीकों से हम लोग किसी न किसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज में करते हैं. फिर फीडबैक, पता ही फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. फीडबैक इन्फॉर्मेशन यूज टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाई एडजस्टिंग द इनपुट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस दैट आर यूज टू अचीव द डिजायर इनपुट. मतलब आपको फीडबैक देना है कि आपका आउटपुट कैसा आया है, या मान लो कि प्रोड्यूसर्स वांट टू बी इम्प्रूव सम क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, क्वालिटी आपको इम्प्रूव करना है तो भी कहीं ना कहीं फीडबैक देना पड़ेगा, अपने वो इनपुट चेंज करने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा. क्लियर? ओके. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट है रैंडम डिस्टर्बेंस. हमने एक वहां पर यूज की थी टेक्नोलॉजी की, व्हाट इज ऑल अबाउट द रैंडम डिस्टर्बेंस. रैंडम डिस्टर्बेंस इट इज अनप्लान्ड और द अनकंट्रोलेबल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. कहीं ना कहीं तो हम लोगों के एक अनप्लान्ड अनकंट्रोलेबल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्शन साइकिल को, ऑपरेशन साइकिल को आपको वो इम्पैक्ट करते हैं. तो कहीं ना कहीं ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा इट कॉजेज प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट टू द डिफर. जो आपने प्लान्ड करके रखा हुआ एक्चुअल आउटपुट को उसको कहीं ना कहीं पूरा ये डिफर कर देते हैं. जैसे एग्जांपल हमने हो गया मौसम हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गई, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हो गया, गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया, पॉलिसी सरकारी चेंज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका रैंडम डिस्टर्बेंस आपके ये सब चीजों की बात कर रहे हैं. फिर बात कर रहे हैं कि एक्टिविटीज में भाई आपको ऑर्गेनाइजेशंस में तीनों का एग्जाम्पल हमने पुराने लास्ट स्लाइड में दिया ही था कि इनपुट क्या होगा, इसमें आउटपुट क्या होगा, रैंडम डिस्टर्बेंस क्या होगा, फीडबैक क्या होगा. आप लोग ये बताइएगा कि इसमें क्या होगा, आप अपना देखिएगा उसका आप लोग. ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस में इनपुट क्या होगा, आउटपुट कौन होगा, रैंडम डिस्टर्बेंस का क्या हो सकते हैं उसमें, और फीडबैक आपको देने देना पड़ेगा. क्वालिटी ऑफ फूड की बात कर सकते हैं हम लोग, सर्विसेज की बात कर सकते हैं. ठीक है, अब बाउंड्रीज ऑफ ऑपरेशंस हो गई, सप्लायर, कस्टमर, द एनवायरमेंट, दीज थ्री आर द बेसिक्स बाउंड्रीज ऑफ द ऑपरेशंस. अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट तो हम लोगों को पता ही क्या होता है, पीपल बाय वांट सेटिस्फैक्शन नॉट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट मार्केटिंग में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है यहाँ पे कि प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है, तो कस्टमर कंज्यूमर्स वाई टेलीविजन बिकॉज दे वॉन्ट एंटरटेनमेंट नॉट बिकॉज दे वॉन्ट ए बॉक्स विद ए स्क्रीन. समझ रहे हैं, तो प्रोडक्ट के लिए समझ रहे हैं. तो बंडल ऑफ यूटिलिटीज की हम लोग बात करते हैं. जो कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी कई सारी यूटिलिटीज को एक साथ पूरा कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक,
यू आर गेटिंग माई वॉइस? आवाज सब लोग को आ रहा है? आप लोग कहाँ, कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा। सो इफ यू आर गेटिंग माई वॉइस तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। कोई नो बडी इज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग सिंस द आई हैव स्टार्टेड द लेक्चर। ओके थैंक यू, दैट्स ग्रेट। तो प्रोडक्ट हम लोग को पता ही, प्रोडक्ट में बहुत डिटेल में नहीं जाना। बंडल ऑफ फिजिकल एंड सर्विस एंड सिम्बोलिटिक एट्रीब्यूट डिजाइन टू सेटिस्फाई ए कस्टमर वॉन्ट एंड नीड, पता ही है हम लोगों को प्रोडक्ट क्या होता है। सर्विसेज भी हम लोगों को पता ही है क्या होता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमने बस पीपीटी में डाल दिया था इसलिए देख लीजिएगा। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों लोगों को पता है, प्रोडक्ट टेंजिबल होता है, सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं। तो दिस इज एग्जांपल, प्योर गुड्स की बात कर रहा हूँ, हम लोग प्योर सर्विसेज की बात कर रहे हैं। डेंटिस्ट हो गया, डिनर इन एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट्स हो गए, ठीक है। अब आ गया रोल ऑफ द ऑपरेशंस मैनेजर। इससे एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, तो इसको बिकॉज हम आपको स्लाइड दिखा दे रहे हैं उसमें आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पीपल्स एम्प्लॉयड बाय दिन ऑर्गेनाइजेशन आइदर वर्क डायरेक्टली टू क्रिएट ए गुड और सर्विसेज और प्रोवाइड सपोर्ट टू द दोज हु डू पीपल एंड दे वे दे मैनेज आर की रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट, जो ऑपरेशन मैनेजर होता है उसका क्या क्या काम होता है उसके हम लोग बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहले हो गया एसेट मैनेजमेंट होगा, ये नोट कर लीजिए पॉइंट। एसेट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया जिसको ऑपरेशन मैनेजर को अपना कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फैसिलिटीज इक्विपमेंट स्टॉक्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन आर सपोर्ट टू द ऑपरेशन फंक्शन। ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस की। तो ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोगों को पता ही क्या होता है कि हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, इसमें हम लोग ये पता करते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस है किस पोजीशन में जाके कितना हम लोग प्रोडक्शन करें, जिससे हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस पर पहुंच जाए। यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की बात करते हैं। हम लोग को पता करना है आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी प्रोडक्शन में, उसमें हम लोग कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना प्रोडक्ट होगा मार्केट में बिकेगा, जिससे हम लोग विल बी एबल टू अचीव द नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो ब्रेक इवन एनालिसिस उसको बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस को। तो ब्रेक इवन एनालिसिस द कॉन्सेप्ट दैट लिंक कैपेसिटी टू कॉस्ट इट एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग द ग्रेटर प्रोडक्टिव कैपेसिटी लोअर द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन। ओके समझ के ब्रेक इवन एनालिसिस। अब हम लोग बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस का फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा। हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको पढ़ाएंगे, इन्वेंट्री में भी पढ़ाएंगे। तो एफ इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट की बात कर रहे हैं, पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो गया, सी कंट्रीब्यूशन ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट टूवर्ड द फिक्स कॉस्ट हो गया, एस हो गया सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अचीव द ब्रेक इवन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन सी इज इक्वल टू हो गया पी माइनस बी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट में कितना आ रहा है। और ब्रेक इवन पॉइंट हमको निकालना है तो एज इक्वल टू एफ सी की हम लोग बात करेंगे। तो सीज आपने पहले निकाल लिया पी माइनस बी करके, तो जिससे कि आप ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दे माइट आस्क, आपका इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फिर आपका नेक्स्ट हो गया कॉस्ट मैनेजमेंट, भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है ऑपरेशन मैनेजर का। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट, आप ये बस हेडिंग नोट कर लीजिए, डिटेल में मत जाइए। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्मिंग देम और डिलीवरिंग देम टू द कस्टमर। तो कॉस्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो एक ऑपरेशन मैनेजर का काम है। डिसीजन मेकिंग की हम लोग बात करते हैं, डिसीजन नीड टू बी मेड इन डिजाइनिंग द ऑपरेशन सिस्टम, मैनेजिंग द ऑपरेशन सिस्टम, इंप्रूविंग द ऑपरेशन सिस्टम। तो डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत बड़ा काम है ऑपरेशन मैनेजर का, उसमें ऑपरेशन सिस्टम को डिजाइन करना है, मैनेज करना है ओएस को, और कहीं ना कहीं उसको ओवरऑल सम टाइम टू टाइम को उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव भी करना है। तो डिसीजन मेकिंग में द फाइव मेन काइंड ऑफ डिसीजन इन ईच ऑफ दिस रिलेट टू, कहीं ना कहीं जो ये चार पांच डिसीजन है जो एक मैनेजर को ऑपरेशन मैनेजर को लेने पड़ते हैं। द प्रोसेस बाई विच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस, किस प्रोसेस से हम उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, क्वांटिटी कितनी रहेगी, कितना हम लोग प्रोड्यूस करें जिससे हम लोग इकॉनमी ऑफ स्केल अचीव कर लें, मास प्रोडक्शन कर सकें, कॉस्टिंग मिनिमम कर सकें, क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज ना हो। फोर्थ के स्टॉक ऑफ द मटेरियल, इन्वेंट्री हम लोग उस प्रोडक्ट के लिए कितना चाहिए होगा, कुछ हम लोग प्रोडक्शन करने जा रहे हैं,
और द मैनेजमेंट ऑफ द एचआर, ओवरऑल टीम क्या जरूरत पड़ेगी। दीज फाइव क्वेश्चंस रेजेज इन अवर माइंड जब हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, ऑपरेशन मैनेजर का बात करते हैं। नेक्स्ट हो गया डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में पर्पज ऑफ डिजाइन, ये हम आपको बता ही चुके हैं एक बार, प्रोडक्ट डिजाइन में तो सेम ही है। तो प्रोड्यूस अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू अ नीड, तो क्रिएट ए फिजिकली रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद इकोनॉमिक वर्थ एंड द फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज की बात करेंगे। तो इसमें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये पर्पज ऑफ डिजाइन। तो प्रोडक्ट डिजाइन हम लोगों को पता ही है कि प्रोडक्ट डिजाइन इज ऑल अबाउट, हमने आपको मार्केटिंग में बताया था कि हम लोग नया डिजाइन भी बना सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं हम लोग, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डिजाइन में भी जा सकते हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइन मस्ट सपोर्ट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग टू इजी विद विच ए प्रोडक्ट कैन बी मेड। तो प्रोडक्ट डिजाइन में बात करते हैं उसके हम लोग अपेरेंस की बात करेंगे, मटेरियल्स की बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे, टॉलरेंस की बात करेंगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो दीज फाइव फैक्टर्स ये नोट कर लीजिएगा, दीज फाइव फैक्टर जो हम बता रहे हैं नोट कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज फाइव करेक्टरिस्टिक्स कंसिस्ट विद इन द प्रोडक्ट डिजाइन, विच वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द अपेरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, मटेरियल, डायमेंशन, टॉलरेंसेज एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो दीज फाइव फैक्टर वी हैव टू बी केयरफुल वाइल चूजिंग द प्रोडक्ट डिजाइन फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब आता है कि डिजाइन ऑफ द सर्विसेज वर्सेज गुड्स, मतलब गुड्स और सर्विसेज की डिजाइन दोनों में हम लोगों को क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो सर्विस डिजाइन इज वेरी यूनिक इन दैट द सर्विस एंड इंटायर सर्विस कॉन्सेप्ट आर बींग डिजाइन। तो ये देखिए सर्विसेज में जितनी बार आप कोई पर्टिकुलर सर्विसेज को आप डिलीवर करेंगे तो आपको हर बार कहीं ना कहीं एक नया एक डिजाइन दिखेगा उसका। ठीक है, तो प्रोडक्ट में तो आपको सेम प्रोडक्ट ही बनना है आपको उसको, लेकिन सर्विस जितनी बार, मतलब आप यहाँ से दिल्ली जाना है ट्रेन से, तो हर बार आपकी एक डिफरेंस और डिफरेंट आपकी परसेप्शन होगी, डिफरेंट सर्विसेज कंज्यूम करोगे, कभी दो मिनट पहले पहुंच जाओ, कभी दो मिनट लेट पहुंचोगे, तो ट्रेन का स्पीड हो गया, एसी हो गया, तो कई जो भी सर्विसेज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो एवरी टाइम यू फील यूज द सेम सर्विसेज तो भी आपको कहीं ना कहीं उसमें वेरिएबिलिटी, कहीं ना कहीं उसमें आपको डिफरेंशिएशन दिखेगा। तो डिजाइनिंग ऑफ सर्विसेज बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, गॉट इट। तो इसमें प्रमोटनेस की बात करते हैं हम लोग, फ्रेंडलीनेस की बात करते हैं, एम्बियंस की बात करते हैं, सर्विसेज में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर फोर सीज ऑफ डिजाइन, ये पढ़ लीजिए, चारों नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी चार सीज होती हैं सर्विसेज की। क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपको, कॉम्प्लेक्सिटीज होनी चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब क्रिएटिविटी में रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ समथिंग दैट हैज नॉट एग्जिस्टेड और नॉट एग्जिस्टेड इन द प्रपोज्ड स्टेट। तो कुछ कुछ ना कुछ हर बार आप नया क्रिएटिव दिखाइए उसमें, नया देयर शुड बी सम क्रिएटिविटी वाइल सर्विंग द इन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कॉम्प्लेक्सिटी इज रिक्वायर्ड डिसीजंस ऑन मेनी वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स की बात करते हैं इसमें हम लोग। चॉइसेस हो गया, थर्ड सी हो गया, रिक्वायर्स मेकिंग चॉइसेस बिटवीन मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द ऑल लेवल फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट टू द स्मॉल डिटेल। मतलब हर चीज के कस्टमर के पास कई सारे सर्विसेज में भी कई सारे उसके पास ऑप्शन होना चाहिए। और फोर्थ हो गया कंप्रोमाइज, रिक्वायर्स अ बैलेंसिंग मल्टीपल एंड सम टाइम कॉन्फ्लिक्टिंग द रिक्वायरमेंट। तो क्रिएटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, चॉइस एंड कंप्रोमाइज पूछा जाता है कि ये चारों आपकी सीज होती है डिजाइन की, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस सिलेक्शन की बात करते हैं, कौन सा हम लोग प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से हम लोग करेंगे। तो पहला हो गया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस चॉइस, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग प्रोसेस चॉइस करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम तो करेगा ही करेगा भाई, कितना आपको लार्ज प्रोडक्शन करना है या कस्टमाइज की तरफ हम लोगों को जाना है। वैरायटी कितनी है हमारी, 10 तरीके के, एक एक प्रोडक्ट बनाने आपको 10 प्रोडक्ट बनाने आपको 10 तरीके के, तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। और एक तरीके का 10 प्रोडक्ट बनाना मतलब कहीं ना कहीं आपको सेम प्रोडक्ट की वैरायटी सेम है और 10 15 20 प्रोड्यूस करना है, तो वो थोड़ा सिंपल है। तो हमको पहला वॉल्यूम की तरफ, कहीं ना वॉल्यूम बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है व्हेन एवर वी जस्ट वांट टू मेक एनी डिसीजन फॉर द प्रोसेस। वैरायटी आल्सो इंपैक्ट, फ्लो बहुत इंपैक्ट करता है कि आपका फ्लो कौन सा रहेगा। फ्लो इंडिकेट द नेचर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन अ कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, मैथड्स की बात कर रहे हैं फ्लो में। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड वैरायटीज, वॉल्यूम मतलब इतना ज्यादा और वैरायटीज में क्या रिलेशनशिप है। अगर हाई वॉल्यूम होगा, हाई वैराइटीज होगी, तो क्या करना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग मास प्रोडक्शन की बात करते हैं हाई वॉल्यूम में आप, ठीक है, तो एक साथ कई बड़ा प्रोडक्शन। और वैराइटी बहुत ज़्यादा होगी तो हमें प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना होगा, हमको कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ उसमें हमने करना पड़ेगा। तो वैराइटी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट, कई पैरेलल प्रोजेक्ट चलाने होंगे, इसीलिए हमने देखा होगा हमने आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही बताते हैं कि आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैरेलल एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं,
ताकि वो जितनी वैरायटीज के प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो वो उतने सब आप बना इजिली बना सके। ठीक है, तो मिड वॉल्यूम मिड वैरायटी, अगर आपका दोनों मिड वॉल्यूम भी मिड है वैरायटी भी मिड है तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे भी बहुत सारे होते हैं तो आपने तो कौन सा फॉलो करेंगे आप। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड वैरायटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर आगे हमारा प्रोसेस एंड ऑपरेशन सिस्टम, दो अवेलेबल अल्टरनेटिव क्या होते हैं, एक हो गया हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन की बात करते हैं हम लोग, एक रेपिटेटिव ऑपरेशन की बात करते हैं। तो एक तो हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन होता है कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन लोअर वॉल्यूम्स, हम लोग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे ए बी सी डी एफ जी एच आई, बट वॉल्यूम हमारा लो होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। रेपिटेटिव होता है प्रोड्यूस वन और ए फ्यू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इन अ हाई वॉल्यूम, मतलब एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग हाई वॉल्यूम में, उसको रेपिटेटिव ऑपरेशंस कहते हैं। इंटरमीडिएट ऑपरेशंस कहते हैं जब हम लोग की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है वॉल्यूम हमारा कम होता है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। तो डू ब्रॉड क्लासिफिकेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज कहीं पर। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस सिलेक्शन की, कैसे हम लोग प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे। तो प्रोसेस सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फाइव कंसिडरेशन, ये भी पूछा गया है किन बेसिस पे हम लोग प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ प्रोसेस रेंज फ्रॉम इंटरमीडिएट टू द कंटिन्यूस, भाई आपको जो मैंने लास्ट में बताया आपको रेपिटेटिव ऑपरेशन की तरफ जाना है या इंटरमीडिएट ऑपरेशन की तरफ जाना है। डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, आपके वर्टिकल इंटीग्रेशन कितने हैं उसके ऊपर हम लोग प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आपके पास एडिशनल रिसोर्सेज है या नहीं, आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होगा तो कहीं ना कहीं आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोगों को एक इस तरह मिक्स करना है ताकि हम लोगों की ओवरऑल कॉस्टिंग हमारी सबसे कम आए, एंड डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टेक्ट। तो दीज आर द फाइव पॉइंट वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी कंसीडर वाइल द प्रोसेस सिलेक्शन की बात करेंगे हम लोग। अब आ गया प्रोसेस टाइप, ये चार टाइप के होता है, प्रोजेक्ट प्रोसेस या जॉब शॉप जिसको बोलते हैं हम लोग, बैच प्रोसेस हो गया हमारा, लाइन प्रोसेस हो गया, कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इसका एक एक करके एग्जाम्पल देंगे हम लोग। प्रोजेक्ट प्रोसेस या जॉब शॉप की बात करते हैं तो मेक ए वन एट ए टाइम प्रोडक्ट एग्जैक्टली टू द कस्टमर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, मतलब एक टाइम में हम लोग एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जॉब शॉप में। बैच प्रोसेस होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन अ ग्रुप और बैचेस बेस्ड ऑन द कस्टमर ऑर्डर और द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं कि ना ग्रुप, हम लोग कुछ कुछ ग्रुप बना लेते हैं 100 का 200 का 500 का, कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उसमें हम लोग बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। इससे मतलब 100% देयर विल बी वन क्वेश्चन फ्रॉम जॉब शॉप, चारों से एक क्वेश्चन आना है। तो जॉब शॉप प्रोजेक्ट प्रोसेस कहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को एक टाइम में एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। बैच में हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे हैं। फिर लाइन प्रोसेस हो गया कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारा स्टैंडर्ड है और लार्ज क्वांटिटी उसको हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया वेरी हाई वॉल्यूम, बहुत बड़ा हाई वॉल्यूम है, जब हम लोग इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करते हैं तो हाई वॉल्यूम वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ ए फुल्ली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। ब्लेड की बात करेंगे, टायर का बात करेंगे, उनको पता है कि कभी अब ब्लेड हमेशा सेम ही रहेगा, उसमें डिजाइन हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कई प्रोडक्ट होंगे जिसको हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस फॉलो करेंगे। आगे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, जॉब शॉप का हो गया, देखिए जॉब शॉप प्रोसेस मिड वेस्टर्न हॉस्पिटल मेडिकल टीम परफॉर्म, हमने नेट से उठाया ये, परफॉर्म्स अ डायग्नोस्टिक प्रोसीडर इन्वॉल्विंग ए कार्डियक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए एक बार में हॉस्पिटल में भी तो सर्विस है ना, तो एक बार में एक ही गोल डील कहते हैं ना कि चार पेशेंट लिटा लिए, किसी का कुछ कर रहे हैं किसी का कुछ कर रहे हैं, इट विल नॉट बी हैपन लाइक दिस इन अ वन टाइम, आपको एक ही बार में एक चीज को डील करना है। तो ये जॉब शॉप का एग्जाम्पल हो गया। असेंबली लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिए ना कि पूरा फैक्ट्री वर्कर्स ना डोंगे गुआन, तो उसमें कहना कि एक असेंबली लाइन की बात कर रहे हैं, एक असेंबली लाइन में लगा हुआ है, फर्स्ट कोई काम कर रहा है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब एक सिस्टम में लगातार आखिरी तक ही काम चल रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द असेंबली लाइन, तो एक अपने एक असेंबली लाइन बना के रख ली है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस में बियर का एग्जाम्पल दिया, ये भी नेट से उठाया है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चला है बहुत, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं होना है, आपको कंटिन्यूस चलता ही रहेगा हमारा। ठीक है, लार्ज मास वेरी हाई नंबर पे हमने मतलब लार्ज प्रोडक्शन हमें करना है। बैच प्रोसेस मिड स्केल रेस्टोरेंट की हमने बात बताई थी आपको, मिड स्केल मतलब कुछ कुछ आपने कस्टमर के 100 आ गए, 100 आपको पर्टिकुलर 100 पिज्जा बनाना है, 200 पिज्जा बनाना है, 200 सोप, 200 मोबाइल, तो मेरे स्मॉल ऑर्डर आ गया हमारे पास कस्टमर से, हम लोग कहीं ना कहीं उसको उसके अकॉर्डिंगली एक बार में एक जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो बैच प्रोसेस हम लोग इसीलिए करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को पता रहे किस पर्टिकुलर बैच नंबर में हुआ। अगर मान लीजिए कि अगर आपने दिन भर में 10-15 बैचेस में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उसमें से किसी में एक प्रोडक्ट में कोई कमी निकल आई, तो आपको पता है कि अगर उसमें आपने जो एक होता है ना बैच नंबर दिया होता है प्रोडक्ट के बीच, उसमें आप बार कोड से उसको हम लोग रीड करते हैं, तो हमारे 100 प्रोडक्ट में से एक में खराब निकला है, तो उन 100 प्रोडक्ट को मार्केट से वापस बुला लेते हैं।
अगर बैच प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, आपने 1000-2000 प्रोडक्ट मार्केट दिन में प्रोड्यूस कर दिए, उसमें एक में आपका वालों कोई कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट से 1000 के 1000 बुलाने पड़ेंगे। तो बैच प्रोसेस का बहुत बड़ा बेनिफिट भी होता है, अगर हम लोग कुछ टुकड़ों में प्रोडक्शन करते हैं, उससे बेनिफिट भी होता है। अगर मतलब कहीं पर भी कोई दिक्कत आ गई आपको, उसको ट्रैक करिए और पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रोडक्ट को, जितने 100-50 जितने एक बार में प्रोड्यूस किए हैं, उनको एक बार में वापस बुला लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बैच प्रोसेस। फिर हो गया हमारा अंडरलाइन द प्रोसेस रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द स्टैंडर्डाइजेशन कंटिन्यूम की हम लोग बात करते हैं। प्रोडक्ट वॉल्यूम हमारा देखिए इसमें लो टू हाई की बात कर रहे हैं, और इसमें प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन हाई टू मतलब ऊपर से लोअर से हाई की बात करते हैं। तो हमारा मान लीजिए कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन आपका लो है, प्रोडक्ट वॉल्यूम भी हमारी लो होगी। तो प्रोजेक्ट प्रोसेस कस्टम जॉब सब की हमने बात करी ना, मतलब आपके प्रोजेक्ट प्रोडक्ट वॉल्यूम भी लो है इधर आपका, और आपका प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड भी आपका मतलब लो है। तो कहीं ना कहीं हम लोग वन टू वन, जो हमने मेडिकल वाला एग्जांपल दिया, आप कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जो होते ना कि आपको देखे होंगे टेक्सटाइल में हम लोग बात करते हैं डिजाइनर क्लोथ है ना, कि मतलब आपको एक डिजाइन एक बार में एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, ठीक है, और जो दूसरा वैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बनाएंगे। फिर बैच प्रोसेस हो गया, एजुकेशन क्लासेस हो गई, एक बार में 70-80 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन क्लासेस हो गई, बेकरी शॉप हो गया, प्रिंटिंग शॉप हो गई, ये इंटरमीडिएट ऑपरेशंस के एग्जांपल हो गए। रेपिटेटिव ऑपरेशन के दो एग्जांपल हो गए, लाइन प्रोसेस, ठीक है, अगर मिड में है, और कंटिन्यूस प्रोसेस में आपका अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड में हाई है, बहुत सही एग्जांपल दिया हुआ है इस स्लाइड, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आएगा बाद में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी आप। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस में ऑयल रिफाइनरी बटर ट्रीटमेंट प्लांट की हम लोग प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं। वॉल्यूम भी बहुत हाई है, प्रोडक्ट भी आपका बहुत स्टैंडर्ड है, तो हम लोग रेपिटेटिव ऑपरेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर डिजाइनिंग प्रोसेस हो गया कि इसमें हम लोग प्रोसेस डिजाइन टूल्स इंक्लूड इन प्रोसेस फ्लो एनालिसिस की हम लोग बात करेंगे, प्रोसेस फ्लो चार्ट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेक टू स्टॉक स्ट्रेटजी होगी, असेंबल टू ऑर्डर स्ट्रेटजी होगी, आपको केवल स्ट्रेटजी पढ़ लीजिए, इसमें पूछा नहीं जाता आज तक कभी नहीं आया, अगर अपनी केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लीजिए एक बार। प्रोसेस डिजाइन टूल्स इंक्लूड क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, और डिजाइन कंसिडरेशन क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो प्रोसेस डिजाइन इंक्लूड होने से प्रोसेस फ्लो एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं, उसमें हम लोग प्रोसेस फ्लो चार्ट की बात करेंगे कि प्रोसेस कैसे चल रहा है, उसको टाइम टू टाइम लोग इवेलुएट भी करना चाहिए, जिससे हम लोग ओवरऑल प्रोसेसिंग को इम्प्रूव कर सकें। फिर डिजाइनिंग कंसिडरेशन लोगों क्या इंक्लूड करना है, मेक टू स्टॉक स्ट्रेटजी की हम लोग बात करेंगे, असेंबल टू ऑर्डर स्ट्रेटजी की बात करेंगे, मेक टू ऑर्डर स्ट्रेटजी की हम लोग बात फाइनली करेंगे। फिर आया हमारा प्रोसेस डिजाइन टूल्स। तो प्रोसेस डिजाइन टूल्स में क्या होता है कि इट्स इन एनालिसिस टू टूल्स यूज टू एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप विद इन अ टोटल प्रोसेसेस, यूजली फर्स्ट स्टेप इन अ प्रोसेस री इंजीनियरिंग की हम लोग बात करते हैं। हम लोग कैसा प्रोसेस बनाएं जिससे कि हमारा कि हम चीज़ों को एनालाइज करके एक सिक्वेंसिंग में बनाएं, मतलब एक बार हमने एक प्रोसेस बना दिया तो ऑटोमेटिकली वो चलता रहेगा। तो वट एवर द स्टेप्स यूजर्स वॉन्ट टू बी पुट इट डाउन फॉर योर प्रोडक्शन, तो उसको आपने क्या करना है एक सिक्वेंसिंग में लगा दीजिए ताकि आपका इजीली प्रोडक्शन होता रहे। तो प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज द स्ट्रक्चर अप्रोच यूज व्हेन अ मेजर बिजनेस चेंजेस आर रिक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। हम लोग प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्यों करते हैं, प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने का मतलब है मेजर न्यू प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की हम लोग बात करते हैं, बेटर कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, और इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो हम लोग प्रोसेस री इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं कि पूरा प्रोसेस दोबारा री इंजीनियर करते हैं, जिससे हम लोग न्यू प्रोडक्ट बना सकें, मेजर न्यू प्रोडक्ट बना सकें, क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, बेटर कॉम्पिटिटर्स की बात हम लोग करते हैं, और इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक मिनट लाइन पर रहिए, अभी हम आते हैं एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो कहां तक ही पहुंच गए हम लोग, ठीक है। तो अभी तो बहुत कुछ रह गया है, ये वाला स्लाइड नहीं था, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहां तक कि प्रोसेस सिलेक्शन में हम लोग पहुंच गए थे, ये भी हो गया था असेंबली लाइन, ठीक है। प्रोसेस डिजाइन टूल्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आप लोगों को यहां तक की तो समझ में आ ही गया
कि प्रोसेस इंजीनियरिंग हम लोग क्यों करते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग बात करते हैं, बेटर कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट सिस्टम क्या होता है ये देख लीजिए। इसमें हम लोग टास्क एंड ऑपरेशंस की बात करते हैं, एग्जांपल गिविंग एडमिशंस टिकट टू द कस्टमर्स, इंस्टॉलिंग इंजन। तो प्रोसेस एनालिसिस एक फ्लो चार्ट होता है, किस तरीके से काम करता है प्रोसेस होता है, इज एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स इनपुट एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू द आउटपुट की हम लोग बात करते हैं, कि इनपुट को हम लोग आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर फ्लो चार्ट सिस्टम हो गया, फ्लो चार्ट सिस्टम कैसे काम करता है देखिए एक बार। तो इसमें हम लोग स्टोरेज एरियाज और क्यूज लगा दिए हमने, ठीक है, और फिर फ्लो ऑफ मटेरियल्स और कस्टमर, हम लोग कहीं ना कहीं कस्टमर्स मूविंग टू ए सीट सीट पे पहुंच रहा है, मैकेनिक गेटिंग ए टूल्स की हम लोग बात करेंगे। तो प्रोसेस एनालिसिस टर्म्स होता है कि एक पूरी साइकिल हम लोग टाइम बना कर रखा है, इज द एवरेज सक्सेसिव टाइम बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ द सक्सेसिव यूनिट्स। हमने कई सारी यूनिट्स एक साथ काम कर रही हैं, तो उसमें आपको प्रोसेस एनालिसिस टर्म्स के तहत प्रोसेस एनालिसिस हम लोग प्रोसेस को पूरा एनालिसिस करते हैं कि आपका कि इट इज द साइकिल टाइम इज द एवरेज सक्सेसिव टाइम बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ द सक्सेसिव यूनिट्स। ठीक है, तो हम लोग साइकिल टाइम पता करने की कोशिश करते हैं कि सक्सेसिव यूनिट्स का प्रोडक्शन करा है उसमें टाइम ओवरऑल कितना लग रहा है। तो ये नहीं पढ़ना है, अब आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस में, ये भी नहीं बहुत अच्छे से देखना है आपने, एक बार देख अदर प्रोसेस टर्मिनोलॉजीज क्या होती है ये देख लीजिए, उसके बाद यह लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो इसमें बॉटल नेक की बात करते हैं, बॉटल नेक होता है ना कि इफ एन एम्प्लॉय वर्क टू स्लो इन अ मल्टी स्टेज प्रोसेस वर्क विल बिगिन टू पाइल अप इनटू द फ्रंट ऑफ दैट एम्प्लॉयज, इन दिस केस द एम्प्लॉयज रिप्रेजेंट द लिमिटेड कैपेसिटीज कॉजिंग द बॉटल नेक। और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक की बात भी करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपने कई बार काम लगातार किया नहीं हो, फाइनली मतलब अगर पूरे सेमेस्टर आप पढ़ाई मत करिए, आखिरी में एक दिन में आपका खूब बहुत सारा बर्डन पड़ जाता है, तो कहने उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक की बात, आपका या दूसरी बात करें आपके पास इंफ्रा बहुत कम है, आपको बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है, तो बॉटल नेक मतलब स्टार्टिंग कोई बॉट कोई कोई बॉटल आपने देखा होगा उसका जो शेप होता है ऊपर बिल्कुल बहुत नैरो होता है, तो आपका ये बॉटल नेक की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोसेस टर्मिनोलॉजी की हम लोग बात करेंगे, कोई इम्प्लॉयज की बात कर लिया आपने, आपने ऑर्डर आपको मिला बोला था कि एक महीने में आपको 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने थे, तो आपने स्टार्टिंग 25 दिन में प्रोड्यूस नहीं किया, फिर लास्ट 5 दिन में आपका ऑर्डर बहुत ज्यादा लग गया और कहीं से भी ऑर्डर आ गया, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड ही हैं, तो वो बॉटल नेक हो गया। पेसिंग हो गया, रिफर्स टू द फिक्स टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ आइटम थ्रू द प्रोसेस, उसको हम लोग पेसिंग बोलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बफर्स रिफर्स टू द स्टोरेज एरिया बिटवीन द स्टेजेस वेयर द आउटपुट ऑफ द स्टेज इज प्लेसिंग प्रायर टू द बीइंग यूज इन अ डाउनस्ट्रीम सिस्टम। तो पेसिंग मतलब एक क्या हम लोग किस पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग से कितना पेसिस से हम लोग काम कर रहे हैं उसको पेसिंग बोलते हैं। मेड टू ऑर्डर का मतलब ओनली एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू एन एक्चुअल ऑर्डर, मतलब जो एक्चुअल ऑर्डर हमारे एक्टिवेटेड है उनको मेड टू ऑर्डर करते हैं। मेड टू स्टॉक होता है कस्टमर्स ऑर्डर आर सर्व्ड फ्रॉम टारगेटिंग स्टॉकिंग लेवल। ठीक है, तो कस्टमर्स ऑर्डर आर सर्व्ड फ्रॉम द टारगेटिंग स्टॉकिंग लेवल की हम लोग बात करते हैं उसको मेड टू स्टॉक कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके अलावा एक और है, ठीक है, तो उसमें अभी हम लोगों को उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अगर अब इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज हम लोग दूसरा बात स्टार्ट करेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे इसको पूरा, कल दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो कल हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, एक दो लेक्चर और लेंगे हम लोग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा खत्म कर देंगे। तो इसमें पहले हम लोग कुछ कुछ चीजें वो आप लोग समझ लीजिए 10-15 मिनट में, उसके बाद हम आपको स्लाइड्स दे देंगे, अगर आपको जरूरत लगेगा देन आई विल बी अरेंज द लेक्चर फॉर यू। हम लोग बात करते हैं प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट के डिसीजन की। तो प्लांट लोकेशन क्या होता है कि आपको प्लांट अपना कहाँ पर स्टेब्लिश करना है, दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट लोकेशन। वैसे हम अगर आईटी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, मतलब आईटी इंडस्ट्री तो कौन कौन से फैक्टर्स बीच वी हैव टू बी केयरफुल वाइल चूजिंग द प्लांट लोकेशन डिसीजन। अगर वो हमने आईटी इंडस्ट्री खोला, अगर रूरल एरिया में खोल दिया, आपको ना रिसोर्सेज मिलेगा, ना इंफ्रा मिलेगा, ना मैन पावर मिलेगी। अगर ऐसा ही अगर आपको शुगर केन इंडस्ट्री खोलना, अगर हमने गुड़गांव में या दिल्ली में खोल दिया, पता है रिसोर्सेज ही नहीं मिले, ना मैन पावर मिल रहा है, ना आपको वहाँ पे शुगर केन मिल रहा है। तो प्लांट लोकेशन इज ऑल अबाउट कि वेयर यू हैव टू बी स्टेब्लिश योर इंडस्ट्रीज। कोई रेस्टोरेंट खोलना है, कोचिंग खोलना है, तो ना अब देखिए ना कोई भी कोचिंग खुलता है लखनऊ की बात करें, कपूरथला पे क्यों खुलता है, बिकॉज वहाँ पर एक पहले से प्रॉक्सिमिटी, आपका मार्केट पहले से बना हुआ है, कस्टमर वहाँ पर पहले से स्टेब्लिश है, कॉम्पिटिटर है, हर चीज का रिक्वायरमेंट होता है हम लोगों को प्लांट लोकेशन के डिसीजन लेते समय। तो एवरी एंटरप्रेन्योर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग द वेस्ट साइट फॉर द लोकेशन ऑफ इस प्लांट और फैक्ट्री। हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते हैं कई सारे रेस्टोरेंट, कई सारे बिजनेस, दे हैव टू बी फेस सम मार्केट फेल्योर सिचुएशन,
है ना, फेस करनी पड़ती है कहीं ना कहीं उनका प्लांट लोकेशन, पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए वहां पर, तो कई सारी लोग गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन क्या हो गए वहां पर, म्यूनसिपैलिटीज के रूल्स रेगुलेशन क्या है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को हमको दिमाग में रख के प्लांट लोकेशन के डिसीजन हम लोग लेते हैं. प्लांट लोकेशन रिफर्स टू द चॉइस ऑफ रीजंस एंड द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस और फैक्ट्री. ठीक है, तो हम लोग जो फैक्ट्री और जो बिजनेस सेटअप करते हैं कौन कौन से डिसीजन लेना है उसकी हम लोग आज बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लांट लोकेशन. तो रीजन फॉर फर्म शुड लुक फॉर द एडिशनल और अल्टरनेट लोकेशन की हम लोग बात करते हैं, क्यों हम लोगों को एडिशनल और अल्टरनेट लोकेशन की हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए. समटाइम हम लोग न्यू वेंचर स्टेब्लिश करते हैं तो हम लोग प्लांट लोकेशन की बात करते हैं, कभी हम लोग एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग बिजनेस, अपना बिजनेस हमारा एक्जिस्टिंग चल रहा है उसमें कोई नया ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, इवन दो बी रिक्वायर सम प्लांट लोकेशन, नया चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड आपकी मार्केट में बढ़ गई नया फैक्ट्री लगाना तो कहाँ पर फैक्ट्री लगा जाए. कंपनी पॉलिसीज ऑन द डाइवर्सिफिकेशन एंड चेंजेस द वर्किंग कंडीशन, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बिजनेसेस को, वर्किंग कंडीशन चेंज हो रही है इवन दो ये भी आप रिक्वायर. समटाइम चेंजिंग इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो टाटा का प्लांट था तो कहीं ना कहीं ड्यू टू सम चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय द लास्ट गवर्नमेंट अखिलेश यादव जी ने बहुत ज्यादा पॉलिसी, बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया था, तो पहले हुआ क्या था कि कई मायावती जी ने उसको कम किया था, तो पंतनगर वाला भी प्लांट शिफ्ट होकर बहुत सारी प्रोडक्शन यहाँ पे लखनऊ में स्टार्ट हो गया था. फिर अखिलेश यादव जी ने देव स्टार्टेड इम्पोजिंग द हाई एक्साइज ड्यूटीज ऑन द हैवी व्हीकल्स, तो कहीं ना कहीं टाटा कंपीट नहीं कर पा रहा था, उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस जो है तो उन्होंने अपना पूरा प्लांट मैक्सिमम चीजें उठा के यहाँ से पुणे और पंतनगर वाले प्लांट में शिफ्ट कर दी. तो ऐसे कई बार आपको वाला याद होगा टाटा नैनो वाला प्लांट, जो टाटा नैनो मार्केट में लॉन्च डिले क्यों हुआ उसके पीछे यही था कि कहने पूरा प्लांट कलकत्ता से शिफ्ट करके कहीं ना कहीं गुजरात लगाया गया. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द चेंजिंग इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर द मैनेजमेंट क्या होता है कि मेक और बाय डिसीजन, बनाएं या खरीदें, सब कॉन्ट्रैक्ट इनिस्टेड ऑफ द एक्सपेंशन, हम लोग ये भी कर सकते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लें, एक्सपेंशन ना करें, थर्ड पार्टी को टारगेट दे दें, एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, अपने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करें, डिस्पोज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड न्यू वन बिल्ड, मतलब पुराने प्लांट को डिस्पोज कर दें और नया वाले को हम लोग बना लें. तो हम लोग लोकेशनल एनालिसिस में करते हैं तो हम लोग ये पांच फैक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट चीज देनी है, बहुत सही से एनालिसिस करना है. डेमोग्राफिक एनालिसिस क्या है मार्केट में, वहाँ पे ट्रेड एरिया एनालिसिस क्या है, कंपटीशन वहाँ पर है या नहीं है, ट्रैफिक वहाँ पर है या नहीं है, साइट इकोनॉमिक्स क्या, मतलब कितना पैसा वहाँ पर लगेगा, तो ये पांच हमको फैक्टर्स देखना है. डेमोग्राफिक एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस भी है, डेमोग्राफिक में एज जेंडर इनकम की बात करेंगे हम लोग, ट्रेड एनालिसिस में देयर इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मार्केट, चांसेस ऑफ ट्रेड इज देयर और नॉट, कॉम्पिटिटर मार्केट में है या नहीं है, ट्रैफिक वहां पर पब्लिक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, साइट इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट की कॉस्टिंग कितना लगना है, साइट कितना कॉस्टली है. तो बात हो गया फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्लांट लोकेशन, फैसिलिटी लोकेशन, तो जनरल लोकेशन फैक्टर्स की बारे में, स्पेसिफिक लोकेशन की बात करेंगे. कुछ कुछ फैक्टर्स आप अभी आके देख लीजिए. तो जनरल लोकेशन में हमारे कंट्रोल फैक्टर होगा जिसको एक मार्केटर कंट्रोल कर सकता है, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, मार्केट में प्रॉक्सिमिटी कितना है, सप्लाई ऑफ द मटेरियल्स, मटेरियल आपका सप्लाई होगा क्या होगा, जैसे मैं आपको शुगर केन का एग्जांपल दिया, मैंने बैंगलोर में खोल दिया मेन सिटी में, पता वहाँ पर शुगर केन आ ही नहीं सकता, तो सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है या नहीं है, इंफ्रा अवेलेबिलिटीज है, रोड है, बिजली है, पानी है, लेबर एंड वेजेस, मजदूरी वहाँ पर क्या है, मजदूरी के रेट्स क्या है, लेबर है या कैपिटल कितना है, तो ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं. पूछा ये जाता है कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं लोकेशनल फैक्टर्स में, तो ये कंट्रोल कहीं ना कहीं हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपको इन फैक्टर्स का मार्केट में दिमाग में ध्यान देना है व्हेन एवर यू जस्ट लुकिंग फॉर द न्यू लोकेशंस फॉर योर बिजनेस. अनकंट्रोलेबल फैक्टर कौन से होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है, क्लाइमेट कंडीशंस, हम लोग क्यों भाई नॉर्थ ईस्ट की बात करिए, कश्मीर का बात करिए जहाँ पे क्लाइमेट, या आपका उत्तराखंड में बहुत ऊपर जाइए जहाँ पर आपका क्लाइमेट बहुत अनस्टेबल रहता है, तो ऐसी जगह पर हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे जहाँ पे क्लाइमेट बहुत अनस्टेबल हो गया. चेरा पूंजी की बात करेंगे, सपोर्टिंग इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, सपोर्टिंग इंडस्ट्री मतलब आप कोई भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रहे हो आप कुछ तो पूरा बना ले सकते हैं, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज वहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप लोग कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ले सकें, पर्टिकुलर रॉ मटेरियल ले सकें, तो सपोर्टिंग इंडस्ट्री भी है, जो मतलब सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज ऑल अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लायर, तो सप्लायर आपके वहाँ पर होने चाहिए, सप्लायर भी अनकंट्रोलेबल है. कम्युनिटी इन द लेबर एटीट्यूड, तो कम्युनिटी कैसी है वहाँ पर, लेबर एटीट्यूड कैसा है, तो दीज आर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. ये फिर हो गए हमारे स्पेसिफिक लोकेशनल फैक्टर फॉर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, हमारे स्पेसिफिक लोकेशनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फेवरेबल लेबर क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, सर्विस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, मार्केट की प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आजकल लोग क्यों पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, इंदौर में क्यों अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, गुजरात कहने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, फिर आपका लेबर, आपका आपका क्लाइमेट बहुत कहीं ना कहीं फेवरेबल होता है, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट बहुत ज्यादा है,
प्रॉक्सिमिटी टू द सप्लायर एंड द रिसोर्सेज, रिसोर्स सप्लायर भी वहाँ पर प्रॉक्सिमिटी मतलब पॉसिबिलिटीज हो उसकी सप्लायर की रिसोर्सेज की। यूटिलिटीज की बात करेंगे हम लोग, बेसिक यूटिलिटीज वहाँ पर होना चाहिए, टैक्सेस मिनिमम होना चाहिए, रियल कॉस्ट की, रियल इस्टेट कॉस्ट क्या है, प्रॉपर्टी बहुत कॉस्टली होगी इवन दो समटाइम अगर बहुत बड़ा प्लांट आपको लगाना है तो हम लोग ऐसी जगह पर मेन सिटी में हम लोग कैन नॉट डिस्टेबलाइज अ वेरी बिग प्लांट। फिर लोकेशनल मॉडल्स हैं, मॉडल पांचों देख लीजिए, डिटेल में नहीं जाना, आपको एक एक लाइन में बता देंगे। तो पांचों मॉडल पूछे गए एक बार के लोकेशनल मॉडल होते कौन कौन से। फैक्टर रेटिंग मॉडल की हम लोग बात करते हैं, वेटेड फैक्टर रेटिंग मॉडल की बात करेंगे, लोड डिस्टेंस मॉडल मेथड की बात करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड की बात करेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे। तो दीज फाइव आर द लोकेशनल मॉडल्स हो गए हमारे, आप बाद में इसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें पांचों को डिस्कस किया है। फैक्टर रेटिंग मॉडल हो गया कि इसमें दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए न्यू फैसिलिटी लोकेशन इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ फॉलोइंग स्टेप, दो तीन स्टेप इसमें फॉलो करते हैं फैक्टर रेटिंग मॉडल मेथड्स के लिए। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट लोकेशनल फैक्टर, जो इंपॉर्टेंट लोकेशनल फैक्टर्स हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करें। रेट ईच फैक्टर अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस, हायर द रेटिंग द इंडक्टिव और प्रोमिनेंट फैक्टर्स, और असाइन द ईस्ट लोकेशन अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ द लोकेशन फॉर द ईस्ट फैक्टर। मतलब जो भी फैक्टर्स हैं उनको आप एक मेरिट बना लीजिए और सबको एक रेटिंग दीजिए और फाइनली आप रेटिंग को एकोमोलेट करिए, देखिए किस पर्टिकुलर फैक्टर्स में कितनी रेटिंग आ रही है। तो फैक्टर रेटिंग मॉडल इज ऑल अबाउट कि पहले इंपॉर्टेंट लोकेशनल फैक्टर उनको आइडेंटिफाई करिए, सबको एक रेट करिए 5 to 1 तक, मतलब 1 to 5 हो गया, 1 to 10 हो गया, सबको एक कोई ना कुछ असाइन करिए। तो असाइनिंग द ईस्ट लोकेशन अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ द लोकेशन फॉर ईस्ट फैक्टर, ठीक है। तो मतलब हर लोकेशन का कुछ ना कुछ, अगर 4-5 लोकेशन मान लो हमने आपको बिजनेस स्टार्ट करना था, 5 लोकेशन ले लिया, तो 5 लोकेशंस में कौन कौन से फैक्टर्स को एक बार मेरिट दीजिए, उसको पॉइंट दीजिए, बाद फिर पांचों का कहीं पर सोचता है कि रिसोर्सेज अच्छा हो, कहीं पर लेबर अच्छी हो, तो हो सकता है कहीं पर इंफ्रा अच्छा हो, आपकी मार्केट कॉम्पिटिटर अच्छे हो, ट्रैफिक हो, तो यही सब फैक्टर है कि चार पाँच एक साथ फैक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, उसको फैक्टर्स को हम लोग एकोमुलेट करेंगे और विल कंपेयर द दो फैक्टर्स। फिर वेटेड फैक्टर रेटिंग मेथड की बात हो गई, इसमें हो गया दिस मेथड टू मर्ज क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर असाइंड वेटेड बेसिस ऑन द रिलेटिव इंपॉर्टेंसी एंड वेट एज स्कोर फॉर ईच साइट यूजिंग अ प्रेफरेंस मैट्रिक इज कैलकुलेटेड। मतलब हम हर मैट्रिक का अलग, हर लोकेशन का, हर साइट का एक अलग अलग सा फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमने मान लीजिए कि लोकेशन, मान लीजिए हमने इंफ्रा को 2 नंबर दिया है, कस्टमर को 3 नंबर दिया है, ट्रैफिक को 5 दिया है, रिसोर्सेज को 7 दिया है, तो हम लोग सभी को देखेंगे उसमें 1 to 5, हम लोग उसको लिकर्ट स्केल के थ्रू हम लोग क्वेश्चन फिल करवा सकते हैं। जितनी लोकेशन सबकी अलग अलग साइट को हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बेस्ट च्वाइस हमारी, सबसे अच्छी च्वाइस हमारी कौन सी आ रही है। फिर लोड डिस्टेंस मेथड हो गया, तो दिस लोड डिस्टेंस मेथड इज मैथमेटिकली यूज मॉडल इवेल्युएट द लोकेशन बेस्ड ऑन द प्रॉक्सिमिटी फैक्टर। प्रॉक्सिमिटी फैक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पे इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे। द ऑब्जेक्टिव टू द सिलेक्ट लोकेशन दैट मिनिमाइज द टोटल वेटेड लॉस्ट लोड्स मूविंग टू द आउट ऑफ द फैसिलिटीज। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज एक्सप्रेस बाय द असाइनिंग द पॉइंट टू ग्रिड कोऑर्डिनेट्स ऑन द मैप, एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू यूज द टाइम रादर देन द डिस्टेंस। तो हम लोग लोड डिस्टेंस मॉडल में हम लोग दो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, तो दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग डिस्टेंस पता करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये टोटल मैथमेटिकली है, जो प्रॉक्सिमिटी फैक्टर्स हैं उन प्रॉक्सिमिटी फैक्टर्स को हम लोग एक कहीं ना कहीं रिलेट करने का कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि कौन सी वाली साइट में आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। मतलब प्रॉक्सिमिटी फैक्टर हो गया रिसोर्सेस, लेबर, मार्केट, तो आपकी साइट से वो कितना दूर है, उनको हम लोग एक रिलेट कोशिश करने के, दो पॉइंट से हम लोग कोशिश करेंगे, दोनों को हम लोग मैप के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि कौन सा फैक्टर आपका सुटेबल पड़ रहा है आपके लिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटीज की बात हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटीज बेस्ड प्राइमरली ऑन द कॉस्ट कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करना है इसमें। दिस मेथड कैन बी यूज टू असिस्ट द मैनेजर्स इन बैलेंसिंग कॉस्ट एंड सर्विस ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया हमारा, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बेस्ड ऑन द प्राइमरली ऑन द कॉस्ट कंसिडरेशन, हम लोग कॉस्ट कंसिडरेशन की बात करेंगे इसमें। तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू असिस्ट द मैनेजर्स इन बैलेंसिंग कॉस्ट एंड द सर्विस ऑब्जेक्टिव। मतलब आपका कॉस्ट मिनिमम रहे, सर्विस ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे फुलफिल हो जाए, तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड टेक्स इन द एक्शन द लोकेशन ऑफ प्लांट एंड मार्केट, द वॉल्यूम ऑफ द गुड्स मूव्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज अराइविंग एट द बेस्ट लोकेशन फॉर द सिंगल इंटरमीडिएट वेयरहाउस। तो मतलब कुल मिलाकर इसमें ओवरऑल हम लोग कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, कॉस्ट हमारी कम रहे, सर्विसेज हमारी अच्छी रहे, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल। नेक्स्ट हो गया ब्रेक इवन एनालिसिस।
तो ब्रेक इवन एनालिसिस हमारा होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, हमको पता करना है कि हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में हम लोग प्लांट लोकेशन कर रहे हैं तो हमारे कितने दिन में हमारी ओवरऑल कॉस्ट, हमारी अगर 100 रुपये या 500 रुपया, 1,000 रुपये या 100 करोड़ रुपये हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस में प्लांट सेटअप करने में, तो ओवरऑल हमारी कितनी कॉस्ट उसमें इनकर्ड होगी और कितने दिनों में पैसा हम उसको अचीव कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेक इवन एनालिसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आज हमने प्लांट लोकेशन की बात कर दी, हमने प्रोडक्ट डिजाइन की बात किया, प्रोसेस डिजाइन की बात किया, हमने आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के रोल्स क्या होते हैं, मॉडर्न अप्रोचेस क्या हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या आते हैं, तो कई सारे मुद्दों पे आज हमने बात किया, बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। तो दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। इफ एनीबडी इज हैविंग डाउट दे मे आस्क थ्रू द व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप से आप प्लीज पूछ लीजिएगा। कमेंट्स में तो बहुत ज्यादा आज कमेंट्स नहीं आए हैं किसी को आई थिंक डाउट, क्योंकि बहुत नया टॉपिक भी है। कल हम लोग प्लांट लेआउट की बात करेंगे, हम लोग कल प्लांट लेआउट और कल इन्वेंट्री की बात करेंगे हम लोग। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं, हम लोग आपको इसकी पीपीटी आई बी सेंड यू, हम आपको व्हाट्सएप से पीपीटी भेज देंगे। थैंक यू सो मच। एनी डाउट तो आई एम जस्ट गिविंग द 2 मिनट, 2 मिनट आपको हम दे रहे हैं, अगर कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए। आप एक बार इसको बाद में पीपीटी देखिएगा, एक बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएंगे टॉपिक्स, ठीक है। प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है, चलो हम आपका इसका नोट्स आपको हम उस ग्रुप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, हम लोग कल नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।